1 सितंबर यानी आज से सेबी ने पीक मार्जिन के नियमों को बदल दिया है। आज से ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन अप फ्रंट रखने की जरूरत होगी। पहले ये सिर्फ 75% था, यानी शेयर खरीदने या बेचने के लिए 75% अप फ्रंट मार्जिन की जरूरत थी। आज से इंट्राडे पोजीशन में भी 100% मार्जिन की जरूरत होगी। चलिए बताते हैं आपको कि ट्रेडर्स पर इसका क्या असर होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वालों को अब मार्जिन के तौर पर ज्यादा फंड रखना होगा। अब पीक मार्जिन के तौर पर 100% मार्जिन अप फ्रंट रखना होगा। एक ही दिन में शेयर खरीद कर बेचने वाले यानी इंट्राडे करने वालों को भी 100% मार्जिन की जरूरत होगी। पहले 75% मार्जिन अप फ्रंट की जरूरत होती थी। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई ट्रेडर 10 लाख रुपए का निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है तो उसे बतौर 20% मार्जिन 2 लाख रुपए रखने होंगे, लेकिन पहले सिर्फ 1.5 लाख रुपए मार्जिन रखने की जरूरत होती थी। क्या है पीक मार्जिन? पिछले साल तक कारोबारी सत्र के आखिरी में मार्जिन वसूला जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कल 1 करोड़ रुपए F&O में निवेश किया है तो आज के मार्केट सत्र में अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं। पुराने सिस्टम में 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश पर अलग से कोई मार्जिन नहीं चुकाना पड़ता था, यानी कल के मार्केट सत्र से लेकर आज के मार्केट के बीच सिर्फ 1 करोड़ रुपए के मार्जिन पर आप 2 करोड़ रुपए F&O में निवेश कर सकते हैं। लेकिन नए नियम के मुताबिक आपको अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए पर भी मार्जिन देना होगा। सेबी ने पीक मार्जिन सिस्टम पिछले साल लागू किया था। इसे 4 फेजेस में लागू किया गया था। पहले फेज में अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए पर 25% मार्जिन वसूला गया, दूसरे फेज में 50%, तीसरे फेज में 75% और चौथा फेज 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसमें 100% अप फ्रंट मार्जिन चुकाना होगा। आखिर सेबी ने ये बदलाव क्यों किया? दरअसल बाजार के बदलते पहलुओं को देखते हुए सेबी ने ये रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया है। इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए सेबी ने रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी के साथ मशवरा किया था। हालांकि ब्रोकर संगठन ANMI इस बदलाव से खुश नहीं है और इसमें कई बदलाव की मांग कर रहे हैं। मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।